ये रहती है छोला समोसा की प्लेट। ये है लीकर चाय। क्या अच्छा लीकर अच्छा, इसमें आपको पकाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऊपर चाय पत्ती में डालेंगे वो अच्छी खासी भारी है भाई। उसके अलावा आपको यहाँ पे खस्ता दिख जाएगा। ये क्या चीज़ है भैया? ये बालूशाही है। तो एट प्रेजेंट हैं हम लोग चौक में मोहम्मद अली पार्क के पास। वैसे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हमने आपको कवर करके दिखाई है, लेकिन आज जो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं उसकी सर्विंग बहुत अलग तरीके से होती है। छोला समोसा तो आपने पत्तल में भी खाया होगा, उसके अलावा प्लास्टिक के दोने में भी, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे छोले समोसे की दुकान जो बहुत ही पुरानी है और बहुत ही पुराने एरिया में सिचुएटेड भी है। आपको यहाँ पर खस्ता दिख जाएगा। ये क्या चीज़ है भैया? ये बालूशाही है। बालूशाही है, साथ में खस्ता, तो प्रयागराज का फेमस है ही, तो खस्ता मिल जाएगा। तो ये है लीकर चाय। क्या अच्छा लीकर चाय में क्या खासियत रहती है? फेन बनाते हैं ऊपर से डाल के। अच्छा ये एक स्पेशल चाय है प्रयागराज की। हाँ फिल्टर चाय, फिल्टर चाय, फिल्टर चाय तरीके। अच्छा ये दुकान लगभग अंकल जी कितनी पुरानी होगी? 50 साल हो गए इसी जगह पे। अच्छा बड़ा ढूंढना पड़ेगा, अगर कोई दुकान में है जो जानता है वो तो आ जाएगा। यहाँ का है जो कोई भी पूरे शहर में बता देगा। आप क्या सबसे ज़्यादा छोला समोसा पसंद करते हैं? सब पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई लोकेशन बहुत इजी है, नहीं इजी नहीं है, थोड़ी सी टफ है, हमारे लिए इजी है। मोहम्मद अली पार्क के पास है आपकी दुकान, बास में। और भाई यहाँ पे मतलब आप जब भी आओगे आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगी। रीज़न ये सब पुराने लोग हैं, सब यहाँ सब बहुत दिन से आने वाले लोग हैं सब लोग ना भाई। ये है दुकान का कुछ लुक, जहाँ पे समोसे का काम और ब्रेड पकौड़े का काम चल रहा है। और ये छोला अंकल जी, छोला चावल। तो ज़रा एक छोला समोसा हमारे लिए लगाइए। जो खास बात है यहाँ पे, आपको चीनी मिट्टी में छोला और समोसा खाने को मिलेगा। ये देखिए, ये है भाई यहाँ पे खस्ते का माहौल, यहाँ पे है सेव। तो आइए लगवाते हैं आपसे एक छोला समोसा, उसके बाद आपको ट्राई करके दिखाते हैं। ये आ गया समोसा, इसी में आ जाएगा थोड़ा सा छोला, ये आ गई चटनी, डन। तो ये रहती है छोला समोसा की प्लेट। कितने की रहती है ये? 12 रुपए की एक प्लेट समोसा। मतलब यहाँ पे भी आप छोला समोसा आज भी खाओगे तो आपको चिली मिट्टी की प्लेट में मिलेगा, जो कि अब आपको हर जगह दोना पत्तल प्लास्टिक में मिलने लगा है। ठीक, 50 साल पुरानी दुकान है, अंकल जी से बात करके हमने आपको दिखा दिया क्या क्या मिलता है। वो रखा हुआ है सामने यहाँ पे कोयले की भट्टी में। तो एक फिल्टर चाय अंकल जी बना दिए जरा, तो हमारे लिए भी एक लीकर चाय हमारे लिए भी बना दिए जरा के। तो एक कैसे दिखाते हैं ये थोड़ा कैसे बनती है एक लीकर चाय। पहले चीनी आ गई, अब आएगा इसमें दूध और चाय। अच्छा इसमें आपको पकाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऊपर चाय पत्ती में डालेंगे वो खौलता हुआ दूध। चलो भाई, तो ये है इसका प्रोसीजर कि आपको उसको चलाना नहीं है, डायरेक्ट ये खोलते हुए दूध चाय पत्ती में डालते हैं और ये फिल्टर चाय डायरेक्ट नीचे आ जाती है। अच्छा ये चाय पत्ती का सिर्फ अर्क है, अर्क टाइप का। अरे ये एक यूनिक चीज़ है, हम लोग चाय के बहुत बड़े प्रेमी, हर जगह इलाहाबाद भी फेमस चाय कवर कर चुके हैं जी। अलग चीज़। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया भाई, आइए चाय के तो वैसे भी हम प्रेमी हैं, एक अलग तरीके की चाय ट्राई करते हैं, साथ में छोला समोसा। और बहुत ही किफ़ायती 12 रुपए में छोला समोसा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली दुकानों में 25-30 रुपए का जो हो गया, तो चाय ये हमें मिल गई है। छोला समोसा दिखाते हैं, आ जाइए, क्योंकि आप देख रहे हो एकदम अच्छी खासी भारी है भाई। ठीक है, और ये यहाँ पे फीलिंग खाने की अलग है, बाकी खाना तो है ही अलग, टेस्टी भी रहता है। चौक में हमने मतलब कह लो इलाहाबाद का हार्ट है चौक, यहाँ पे जहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे खाने वाने के अलग सामान, कपड़े लगते, मतलब हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन हम तो फूड ब्लॉगर हैं, तो ब्लॉगर फूड से मतलब हमें कहाँ अच्छा मिलता है। तो ये छोला समोसा है और ये 12 रुपए की प्लेट है। नॉर्मली ये वो वाला छोला नहीं है जो मटर वाला मिलता है, ये छोले वाला छोला है। मैंने बताया ना, आप जितने भी पुराने दुकानों में जाओगे वहाँ पे चीज़ भी अलग मिलेगी। देख लीजिए आप एक बार, एकदम गाढ़ा गाढ़ा छोला, ठीक है, और उसके ऊपर ये पड़े हुए समोसे, और ये एक समोसा है, हमने सिर्फ एक लिया हुआ है। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, 2, 4, 3, हमको लगता नहीं कि एक में पेट भरने वाला है। तो छोला समोसा और चाय, और हॉस्टल की याद ना आ जाए तो पैसा वापस। ये है फिल्टर चाय, हमने आज तक कभी ट्राई नहीं की, फर्स्ट टाइम आया। वाह भाई साहब, पकाया नहीं गया है, काढ़ा नहीं गया है इसको, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर तक उबाला गया, एकदम सिंपल खौलते दूध में चाय पत्ती का आर, एकदम अलग तरीके की चाय। ये लीकर चाय है, मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत हार्ड चाय, जैसे जो लोग वो कड़क पीते हैं एकदम, उनके लिए है ये, और हम लोग वही वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनका, यहाँ का छोला समोसा और यहाँ की वाइब्स। आप थोड़ा पीछे घूम के अगल बगल देखो जरा क्या हाल है,
तब तब हम छोला समोसा खा रहे हैं, देख रहे हो एकदम पतली सी गली है। आप आओगे तो शायद, अगर आपको नहीं पता तो आप ढूंढ भी ना पाओ, आपको नाम बता के आना पड़ेगा महाजन चीज स्टॉल कहाँ पे है। आ जाना, अंदर दुकान है, भट्टी दिख जाएगी, यहाँ समोसा परमानेंट बनता रहता है, पकौड़ा बनता रहता है, रसगुल्ला भी है, मतलब जो बालूशाही भी, मतलब जो होटल में मिल जाता है नॉर्मली वो सब कुछ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ की वाइब्स, यहाँ की टेस्ट। बता देते हैं लोकेशन, ये है मोहम्मद अली पार्क के अंदर वाली रोड। मोहम्मद अली पार्क के पास आके आप किसी से भी पूछ लीजिए कि महाजन टी स्टॉल कहाँ पे है, आप इजीली यहाँ पहुँच जाओगे। ये है वो टी स्टॉल जहाँ पे छोला समोसा पकौड़ा जलेबी बालूशाही खस्ता आपको परमानेंट मिलेगा। बट यहाँ की लीकर टी और यहाँ का छोला समोसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आकर ट्राई कीजिएगा। बाकी इस तरीके की प्रयागराज की बहुत ढेर सारी वीडियोस कवर करके दिखाते रहते हैं आपको, और भी दिखाएंगे इस तरीके के अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी फूड। देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस तरीके की प्रयागराज की कोई भी वीडियो आप सब मिस ना हो। चलिए चलते हैं दूसरे प्लेस पर।